मिले उस दिन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार से पराठे की हरे भरे मटर से जो है हम पराठे की रेसिपी जो है आप लोग के साथ शेयर करेंगे। जी हमने बॉयल पहले कर ली है कि थोड़े से ठंडे हो जाए, तो इसको सही पीस लेंगे। आलू हमने इसमें लिए थे 3 अदद बड़े आलू है, 1 कप मटर है। इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड जैसे कि आप देखें मटर और आलू जो है हमने अच्छी तरह पीस लिए हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। अभी ऑयल गरम करते हैं तो पैन के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून साथ ऑयल ऐड कर लिए। लो 3-4 जगह लहसुन के और 2 हरी मिर्चें पीस के, तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, इससे जायका बहुत अच्छा आता है और यूनिक से पराठे बनते हैं। आप ट्राई ज़रूर करें। लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर बाकी मसाले, हमें 2-3 मसाले बस। लहसुन गोल्डन होने लगे हल्का हल्का सा, ज़्यादा पकाना भी नहीं है कि फिर इसका जायका और तरह हो जाता है। और बाकी मसाले 2-3 है बस। एक चीज़ जो है वो आप एक दफ़ा ख़रीद ले तो काफ़ी अर्सा चलती है, वो ऐड करने सिर्फ 2-3 मसाले। अब हम इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। एक टीस्पून भर के हम कुटी लाल मिर्चें डालेंगे और 1 टीस्पून ये मेन चीज़ है चिकन पाउडर, ये मिला के आग हम बंद कर देंगे। तो अब हमने इसके नीचे फ्लेम बंद कर दिया था। अब हम इसके अंदर आलू और मटर का मिक्सचर जो है वो ऐड कर देंगे। इसे सारा आपने मिक्स कर लेना है ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आप मटर ऑयल 1 टेबल स्पून डालें, हमारा थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो गया कि मिक्सचर कम है और ऑयल ज़्यादा हो गया, 1 टेबल स्पून सही रहेगा। हमने पहले भी ग्रीन चिली डाली है लेकिन 1 चॉप वो डाल लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर सब्ज धनिया कोरिएंडर जो है चॉप करके वो ऐड कर रहे हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हरे भरे पराठे आप ज़रूर ट्राई करें, मौसम में मटर ऐसे भी मटर के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आप ये ज़रूर करें। देखें बिल्कुल ये जितना अच्छा लग रहा है इतना ही टेस्टी भी होगा। अब हम इसके अंदर नमक जो है वो ऐड करें 1 टीस्पून, वो भी चख ले पहले। चिकन पाउडर हमने ऐड किया तो उसमें नमक ऑलरेडी होता है, तो बहुत एहतियात से आप नमक डालें। पहले 1/2 टीस्पून डाल के चेक कर लें तो फिर आप, ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। तो अब हम पराठे बनाएंगे, इसको हम ट्रांसफ़र उसी बाउल में कर लेते हैं।
जितना आप नॉर्मल जो पेड़ा लेते होते हैं वो ले लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है, कोई पराठे बड़े खाते हैं, कोई जो हम नीचे धनिया स्प्रिंकल से कर देंगे और फिर रोटी बेलेंगे। तो हमने बेल लिया था, अब हम इसके अंदर ही मिक्सचर जो है वो ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है, स्क्वायर वाला पराठा जो है वो रेडी कर लेंगे, इसको दोबारा बेल लेंगे। जब कुछ का थोड़ा सा जो है वो ऊपर स्प्रिंकल कर लें, पहले ऐसे हाथों से इसको प्रेस करेंगे कि सारा मिक्सचर जगह पे हो जाए, फट गया तो कोई नहीं, वो क्रिस्पी और ज़्यादा अच्छा बनता है। थोड़ा थोड़ा फटेगा लेकिन कोई ऐसे करके फिर इसको बेल लेंगे। तो अब हमने बेल लिए, अब हम इसको तवे के ऊपर जो है डाल लेंगे। तो अब हमने तवे के अंदर ऊपर जो है वो डाल दिया, ये देखिए लेयर्स से बन गई हैं ये सारे लेयर्स, फिर जब आप पराठा तैयार हो जाए तो ये लेयर्स खुल जाएंगे। तो अब एक साइड से डन हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। स्पून घी लगाए, देखिए सारा फूल रहा है, और 1 टीस्पून मैंने घी लगाया, ऑयल में पराठा ना बनाया करे, और ये देखे सारा फूल रहे। तो दूसरी तरफ से भी हम सेकेंगे और फिर इस पर भी हल्का हल्का लगाएंगे। अभी थोड़ा सा ही बस ये तवक सिर्फ ऑयल लगा हुआ था घी। तो हमारा पराठा जो है वो रेडी हो गया, ऑलमोस्ट फ्लफी फ्लफी से है ये। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पराठे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, कितने मज़े के लग रहे हैं आपको मैं दिखा रही हूँ। एक के ऊपर जो है मैंने बटर जो है वो लगाया है, और एक के ऊपर जो है देसी घी ये लगाया हुआ है। तो आप लोग भी इस तरह के पराठे लाजमी ट्राई करिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देसी घी भी आप पराठों पर डालें, बहुत मज़े की लगती है। जो जिनको देसी घी नहीं पसंद वो बटर भी डाल सकते हैं। तो अब ये देख रहे हैं कितनी क्रिस्पी से मज़े से बने हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, एमी लाइफस्टाइल के साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।